एलोवेरा जेल मेरा प्रिय इंग्रेडिएंट्स जिसने मेरी हेयर जर्नी में मेरा बहुत साथ दिया है। आप एलोवेरा को हेयर ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं, आप एलोवेरा को डीप कंडीशनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, फ्रिज को दूर करने के लिए यूज कर सकते हैं, बालों को डिटेंगल करने के लिए एज ए हेयर सीरम आप एलोवेरा को यूज कर सकते हैं, आप अपने बालों को स्ट्रेट बनाने के लिए एलोवेरा को यूज कर सकते हैं, आप अपने बालों को मोटा बनाने के लिए एलोवेरा को यूज कर सकते हैं। और बचा क्या, कुछ भी तो नहीं बचा। बहुत सारे मेथड बताने जा रही हूं मैं आज एलोवेरा के कि कैसे आप डिटेंगल कर सकते हैं, कैसे आप सुपर सन की प्रॉब्लम कवर कर सकते हैं, कैसे आप अपने बालों को डीप कंडीशनिंग करके आपके बालों की हेल्थ को आप सुधार सकते हैं, आपके बालों से ब्रेकेज की प्रॉब्लम को हटा सकते हैं। तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं, रेमेडी बना लेते हैं, सारे के सारे मेथड कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं अपनी हेयर प्रॉब्लम के हिसाब से। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो ये है मेरा छोटा सा पार्क जहाँ पे हमने एलोवेरा उगाया हुआ है, लेकिन सेफ तरीके से तोड़ना है क्योंकि कल परसों मैंने यहाँ पे सांप देखा था। ओके, तो मुझे यहाँ पे डर तो लग रहा है एलोवेरा लेते हुए, लेकिन टूट जाए यार, ये तो नहीं टूट रहा है। कौन सा तोड़ना है? ये वाला टूट जाएगा, और ये वाला मोटा भी है, ये वाला। तो ये देखिए मैंने ये ले लिया है लीफ। चलो फिर ऊपर चलते हैं। तो मैं ले आई हूँ एलोवेरा लीफ, और आप देखिए यहाँ पे इस पे येलोइश कलर है यहाँ पे, है ना। तो ये जहर है एक किस्म का, इसे आपको यूज नहीं करना है। और देखिए कितनी डर्ट इसके ऊपर है ना। तो सबसे पहले आपको वॉश करना है, चाहे आपको क्लीन भी दिख रहा हो एलोवेरा लीफ, लेकिन हम उसको वॉश करेंगे ताकि जो गंदगी है इसके ऊपर वो हमारे बालों में ना जाए। तो मैं इसको पहले वॉश कर लेती हूं। साफ कर लिया है, यहाँ पे जो येलो पार्ट था उसको मैंने निकाल दिया है, आपको कट कर देना है, ठीक है। तो फिर हमें चाहिए एलोवेरा, तो मैं इसको यहाँ से कट कर दे रही हूँ, और इसके जो कांटे हैं वो हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम इसको हेयर ग्रोथ के लिए यूज करने वाले हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत सारे मेथड आप लोगों को बताऊंगी फॉर हेयर ग्रोथ के लिए, आपको क्या करना है, बीच में से इक्वली दोनों लीफ के ऊपर जेल होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए है ना, तो कुछ इस तरीके से आप काट लेंगे इसको, और ये देखिए इसका जेल, ये देखिए। आपको क्या करना है, सिंपली बता रही हूँ, आप चाहें तो इसका जेल निकाल लें। आपको ये लीफ लेनी है एक लीफ, और इसको अच्छे से, बड़े अच्छे से आपको अपनी स्कैल्प पे रब करना है, आपकी हेयर रूट्स पे, हर एक हेयर रूट्स पे लगा होना चाहिए। एक किस्म से लगा लीजिए कि आपकी जो स्कैल्प है वो एलोवेरा के साथ भीगी हुई होनी चाहिए। लगा के बड़े अच्छे से मसाज करनी है, मसाज करके उसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे पूरी रात भर के लिए। आप चाहें तो आप लेंथ पे भी लगा सकते हैं ऐसे ही, अगर आप कंफर्ट हैं तो, अदरवाइज इसका जेल भी निकाल के आप लगा सकते हैं। रात भर के लिए छोड़ देना है, और सुबह उठ के आप शैम्पू कर देंगे। ये है हेयर ग्रोथ के लिए, अगर आप अपनी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करना चाहते हैं, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड के लिए आपको अपने बाल अगर डिटेंगल करने हैं एज ए हेयर सीरम आपको एलोवेरा जेल यूज करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, आपको लेना है तकरीबन, आ भी नहीं रहा ये तो काफ़ी चिकना है, तकरीबन आपको लेना है 2 चम्मच के करीब, सारा ही आ गया यार, 2 चम्मच के करीब आपको एलोवेरा जेल लेना है, ठीक है। फिर आपको इसके अंदर 4 बड़े चम्मच पानी के डाल देने हैं, फिर आपको इसके अंदर 1/2 स्पून कोकोनट ऑयल का डाल देना है, कोकोनट ऑयल का ही यूज हम करेंगे, ठीक है। फिर आपको सारी चीज़ें लेने के बाद इनको बड़े अच्छे से मिक्स करना है, मतलब कि पानी और एलोवेरा जेल आपका अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो मैं इनको बड़े अच्छे से मिक्स करके और इसको छान के क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये देखिए ग्रीन पार्ट्स आ रहा है ना एलोवेरा का, तो छान के हम इसको एक स्प्रे बॉटल में भर लेंगे, ठीक है। तो मैं छान रही थी और स्प्रे बॉटल में भर रही थी, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को कंसिस्टेंसी दिखा दूँ। ये देखिए मिक्स करने के बाद एलोवेरा बिल्कुल सीरम की तरह लगेगा, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, मतलब पानी और एलोवेरा अलग अलग नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी आपके हेयर सीरम की बन जाएगी, और जैसे हेयर सीरम काम करते हैं ना, सेम वैसे ही आपके बालों को डिटेंगल करेगा, शाइन लाएगा, और आप इसको अपने स्कैल्प पे भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, बालों को मोटा बनाएगा, डैंड्रफ को रिड्यूस करेगा। तो हमारा सेकेंड मेथड ये था। ये देखिए हमारा हेयर सीरम रेडी है, स्प्रे बॉटल में भर लेना है,
और 15 दिन के लिए आप इसको स्टोर कर लेंगे। और जब भी चाहे आपने आपके बाल धुले हैं नहीं धुले हैं, आप इसका यूज अपने बालों पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये बन गया हमारा हेयर सीरम। ट्रिपल हेयर ग्रोथ के लिए आप एलोवेरा को कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको चाहिए होगा मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल कंपल्सरी है। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पे कैस्टर ऑयल का यूज करें। दोनों ही ऑयल्स ऐसे हैं जिनका यूज अगर आप कर लेते हैं तो आपके बाल वाकई में झूठ नहीं है मोटे बनना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी हेयर ग्रोथ प्रमोट होगी। तो आप अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग लेंगे यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल। सिर्फ 1 चम्मच के करीब डालना है आपको, चाहे आप ऑयल 2 चम्मच ले रहे हैं 3 चम्मच ले रहे हैं, लेकिन एलोवेरा जेल आपको 1 चम्मच ही डालना है। तो ये आपका बन के तैयार है हेयर ग्रोथ ऑयल, जिसमें आपकी थोड़ी सी भी मेहनत नहीं लगी है। विटामिन ई है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, आपकी स्कैल्प के अंदर पेनिट्रेट होके आपके फोलिकल्स को खोल देंगे और बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल आपका बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन आप इसको स्टोर करके बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं, आपको ये फ्रेश बनाना पड़ेगा और आपको इसे फ्रेश ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया हेयर ग्रोथ ऑयल। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 मेथड मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, टोनर भी बना के दिखा दिया मैंने, मतलब कि सीरम। अब आपको अगर ये सभी मेथड पसंद नहीं आए हैं और इजी मेथड आपको लेना है तो आपको क्या करना है, घर का बना हुआ 1 कटोरी दही आप ले लेंगे। ठीक है, घर का बना हुआ होना चाहिए, उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है और उसके अंदर आपको डाल देना है 2 चम्मच के करीब या 1.5 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल। अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपकी जो रेमेडी है, आपका जो पैक है, वो एक क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ये जो क्रीमी कंसिस्टेंसी है ये डीप कंडीशनिंग का काम करेगी। चाहे आपके बाल कितने भी फ्रीजी हों, डैमेज्ड हों, ये रिपेयर करके आपके बालों को डिटेंगल करेगी, ब्रिकेज की प्रॉब्लम को हटाएगी, स्प्लिट्स एंड की प्रॉब्लम को भी हटाएगी। बहुत ही अच्छा हेयर पैक है, बस आपको इसे अपने बालों पर लगा लेना है, छोड़ देना है 1 घंटे के लिए और फिर अपने हेयर वॉश कर देना है आपको शैम्पू के साथ। है ना, सभी मेथड आसान, हर मेथड को आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डीप कंडीशनिंग चाहते हैं तो आप दही पैक के साथ जा सकते हैं। बहुत सारी लड़कियां हेयर सीरम परचेज नहीं कर सकती हैं, तो आज मैंने आप लोगों को इस वीडियो में हेयर सीरम भी दिया है, जिसे आप एज ए हेयर सीरम कभी भी अपने बालों पर यूज कर सकते हैं और आप देखिएगा कि आपके बाल एक ही बार में टैंगल फ्री हो जाएंगे। जब आपके बाल वैटी होते हैं ना, तो तब आपको हेयर सीरम का यूज करना होता है। तो बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारे स्टेप है, हर कोई कर सकता है। आप अपने बच्चों पर ट्राई कर सकते हैं, खुद पर ट्राई कर सकते हैं, बड़े पे ट्राई कर सकते हैं, बूढ़ों पे ट्राई कर सकते हैं, जैसा मर्जी चाहे आप वैसे इसको ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पे और कमेंट्स के थ्रू मुझे ये जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें। बाय।